नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बन रहे दूसरे फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। बिहार में मिथिलांचल को मखाना और मछली के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस इलाके में चप्पे चप्पे पर पोखर यानी कि तालाब है। यहाँ के लोग मछली को खाना पसंद करते हैं, यानी कि उसके शौकीन हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार ने तालाब के साथ ही इसे सोलर प्लांट से जोड़ने पर विचार किया है, जिससे कि बिजली का उत्पादन किया जा सके। बता दें कि बिहार के दरभंगा में पहला तालाब में तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया गया है। इसके बाद अब सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के सखुआ गाँव में राजा पोखर पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का अंतिम चरण में प्रक्रिया। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इसे मार्च महीने में यहां बिजली के उत्पादन की शुरुआत कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इससे करीब 1500 घरों को रोशनी मिलने शुरू हो जाएगी। गांव के लोग भी सोलर बिजली को लेकर उत्साहित हैं। बता दें कि सिखुआ गांव स्थित राजा पोखर में मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जाएगी। इसकी नींव भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान रखी थी, जो कि अब एक साकार रूप लेता जा रहा है। यहां से 525 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उत्पादित बिजली को पिपरा पीएससी भेजा जाएगा। यहां से क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि यह सोलर प्लांट करीब 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की देखरेख में संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह योजना ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना को साकार करेगा। इस तालाब में मछली का पालन भी किया जा सकेगा। यह भी माना जा रहा है कि अगर इस तरह के प्रयास सफल रहे तो आने वाले दिनों में पोखर में सोलर प्लांट देखने को मिल सकते हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट को लेकर ट्वीट करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने लिखा है कि मिथिला के केंद्र यानी कि दरभंगा में बिहार का पहला तैरता बिजली घर बनकर तैयार है। दूसरा सुपौल में मार्च तक बनेगा। सुखद एहसास कराती ये तस्वीरें बिहार को विकसित प्रदेश बनाने में सीएम नीतीश के प्रयासों की राह में मील के पत्थर की तरह है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि सीएम नीतीश कुमार ने दिसंबर 2019 जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान तालाबों के जल से बेहतर उपयोग के लिए नीचे मछली ऊपर बिजली के योजना बनाने का निर्देश दिया था। यह बिहार की पहली ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी होगा। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि आने वाली पीढ़ियों को हरा भरा व बेहतर बिहार सौंपने के उद्देश्य से नीतीश कुमार की दूरगामी पहल है जल जीवन हरियाली अभियान। इसका संयुक्त राष्ट्र तक ने तारीफ कर दिया है। राज्य में जल संपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीक को निरंतर अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले में लगाया गया है। यहां पर मछली का उत्पादन भी किया जाएगा और तालाब के ऊपर सोलर प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। इस सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विद्युत उपकेंद्र भी बनाया जा रहा है। इस सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए एक विद्युत उपकेंद्र तो बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सोलर प्लांट से जो बिजली का उत्पादन होगा वह 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। प्रयोग सफल होने पर इसे आम तालाबों से भी जोड़ने की बात जो है वो कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर यह प्रयास सफल रहा तो आसपास के जितने भी तालाब हैं उन तालाबों में भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कहा गया है कि दरभंगा में, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि मखाना और तालाबों के लिए मछली के लिए यह क्षेत्र, यह इलाका जो है जाना जाता है। ऐसे में और तालाबों में यह सोलर प्लांट को एक्सटेंशन किया जा सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।